अगर हम जल्दी करेंगे तो हम रारिटी के घर पेपर के डिलीवर होने से पहले पहुंच सकते हैं। शायद वो आर्टिकल पढ़े ही ना। मुझे पूरा यकीन है कि रारिटी मैनहट्टन के अपने बुटीक का रिव्यू जरूर पढ़ेगी। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमने उस रिपोर्टर को सब कुछ बता दिया। कहीं आर्टिकल बस इस बात पर ना हो कि कैसे उसके फ्रेंड्स ने ओपनिंग को लगभग बर्बाद कर दिया। मुझे लगता है तुम सब कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। रैरिटी हमारी दोस्त है, अगर कोई पोनी इस बात को समझ सकती है तो वो रैरिटी है। तुम सब कितनी देर में आओगे? अब हम सब साथ मिलकर रिव्यू पढ़ सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है, कैसा रहेगा अगर हम इसे पढ़े ही ना? उसके कहने का मतलब है इससे पहले कि तुम ये पढ़ो शायद हमें तुम्हें कुछ पता। नहीं डार्लिंग्स, प्लीज कोई कुछ मत कहना। पर कोई कुछ नहीं कहेगा। अब क्या हर पोनी तैयार है ये शानदार रिव्यू सुनने के लिए जो बयां करता है कि कैसे तुम सब ने साथ दिया शानदार शुरुआत में रैरिटी फॉर यू की। कई पोनीज ने मैनहट्टन के मशहूर सैडल रो के एलीट फैशन ट्रेंड सेटर्स के बीच अपने कदम जमाने की हर मुमकिन कोशिश की है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि ये इक्वेस्ट्रिया फैशन में आज तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है और आज से पहले कभी किसी रिपोर्टर को इतनी देर परेड के पीछे की खबर पता करने का मौका नहीं मिला। पता नहीं आगे क्या होगा। ओपनिंग के बाद मैंने रैरिटी और उसकी दोस्त से बात की कुछ अंदर की बातें पता करने के लिए और मुझे जो बातें पता चली। ओके बच्ची, तुम मैनहट्टन में एक शॉप खोलने में कामयाब रही और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत सी पोनीज जानना चाहती हैं कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारी दोस्तों का एक इंटरव्यू लूंगा ताकि मैं तुम्हारी कहानी को लोगों तक पहुंचा सकूं। कोई सवाल पूछना चाहती हो तुम? वेल, मैं सोच रही थी कि शुरू करते हैं। मिस रैरिटी, तुम्हारी शॉप्स पूरे इक्वेस्ट्रिया में फैली हुई हैं, पर तुम किसी बड़े शहर में पहली बार कोशिश कर रही हो। क्या तुम ये अकेले कर पाओगी, तुम्हें लगता है? वेल, पूरे इक्वेस्ट्रिया में मेरी शॉप्स नहीं है। मेरे पास सिर्फ दो और बुटीक्स हैं, एक मेरे होम टाउन पोनीविल में और दूसरा कैंटलॉट में। फिर भी जब मैंने ये स्टोर खोलने का फैसला किया तो मुझे खुद पर पूरा भरोसा था। मैं कहूंगी कि अगर मुझे सब कुछ दोबारा करने का मौका मिले तो मैं सब कुछ इसी तरह से नहीं करूंगी। वेल, वो सबसे मजेदार पार्टी तो नहीं थी। ये एक बिल्कुल पकी हुई गर्मा गर्म मुसीबत थी। जिंदगी में सब कुछ शानदार करने के बाद मेरे ख्याल से हर पोनी को कभी ना कभी गड़बड़ करने की इजाज़त तो मिलती है। एक मिनट, क्या तुम ये सब लिख रही हो? ये बिल्कुल वैसा तो नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था, पर इसकी शुरुआत तो ठीक ही हुई थी। स्वागत है सैडल रो में, एक सड़क जो भरी है इक्वेस्ट्रिया के सबसे फैशनेबल बुटीक से। अगर ये शॉप्स का सबसे मशहूर ब्लॉक है तो स्टिंकी बॉटम का डिस्काउंट हैट एम्पोरियम कहाँ है? मेरे ख्याल से वो यहाँ नहीं है। ये रहा रैरिटी फॉर यू। रैरिटी, ये बहुत प्यारा है, पर तुम्हें यकीन है ये आज रात की ओपनिंग के लिए तैयार है? अच्छा, घबराने वाली बात नहीं है, बस इसे थोड़ी सी तैयारी की जरूरत है। मेरे कपड़े जल्द ही आ जाएंगे, उसके बाद मेरी सेल्स एसोसिएट और थोड़ी डस्टिंग के बाद हम आज रात की ग्रैंड ओपनिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। रैरिटी, तुम्हें देखकर खुशी हुई, मुझे लगता है तुम्हारा स्टोर तो सच में अच्छा बनने वाला है। मिसेस स्ट्राइप्स उस बिल्डिंग के मालिक हैं, वो एक बहुत ही अच्छे मकान मालिक हैं। हालांकि वो कभी कभी चिपकू बन जाते हैं। ओके, सारा टाइम तुम मेरी बेटी से मिली हो, मेरे कानों का चिराग, मेरे पैरों की धूल, ये अब से तुम्हारे साथ काम करेगी। वो
क्या है ना कि मैं अभी ग्रैंड ओपनिंग की तैयारियों में बिजी हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। चिप्पू होने के अलावा मुझे सिर्फ दो चीजें सबसे ज्यादा पसंद हैं। एक है मेरी बेटी और दूसरी चीज है मिनिएचर डॉल का फर्नीचर। और मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए अपना सारा फर्नीचर बेच सकता हूँ, तुम समझ रहे हो ना? माफ कीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन हो पाएगा। चलो दूसरे तरीके से समझाता हूँ, तुम उसे काम पर रखो वरना मैं किराया बढ़ा दूंगा। तुम्हारा स्वागत है। सबसे पहला आइडिया, कपड़ों के अलावा हम अंधेरे में चमकने वाले दांत भी बेचेंगे, बिल्कुल ऐसे, पर वो अंधेरे में चमकने वाले होंगे। वाह, कितना शानदार आइडिया है। अंधेरे में चमकने वाली दांत, वो सोच क्या रही थी? फ्लटरशाय, मुझे स्टॉक रूम में तुम्हारी मदद की जरूरत है, जल्दी। हेलो। पर ये यहाँ कर क्या रहे हैं? स्मोकी ने कचरा खाते हुए ज्यादा शोर मचा दिया, इसलिए सॉफ्ट पैड की माँ ने उन्हें ट्रैश में जाने को कहा। फिर स्मोकी जूनियर को बिल्डिंग के पीछे एक अच्छा घर मिल गया, पर मिस्टर प्लेट ने उसे तुड़वा दिया, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए यहाँ कैंप लगा कर रह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बुटीक में किसी बदबूदार रकून्स की फैमिली को नहीं रहने दे सकती, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम लोगों ने वो सुना? फिर पता चला कि ऊपर वाले फ्लोर पर एक क्लब पोनी पार्टी पैलेस है। फिर पता चला कि ऊपर वाले फ्लोर पर एक क्लब पोनी पार्टी पैलेस है। माफ कीजिएगा, क्या आप उसे म्यूजिक कम करने के लिए कह सकते हैं? में सुनती है। मैं जानती हूँ मैं किसी ओल्ड पोनी की तरह बात कर रही हूँ, पर ये बिजनेस है। काश हम भी उतने ही मजे कर रहे होते जितने कि वो कर रहे हैं। वेल, सफाई में मजा भी आ सकता है। स्वीप 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 स्वीप। सिर्फ ट्वाइलाइट ही सफाई के बारे में एक डांस रिमिक्स बना सकती है। अब देखो ना कितना बकवास है ये। हाँ, ये इतना अच्छा भी नहीं था। नहीं। स्वीप 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 स्वीप। तो डीजे पोनी 3 का घर ऊपर पार्टी पैलेस में ही है, पर सिक्योरिटी गार्ड मुझे उससे बात ही नहीं करने दे रहा था। सेलेस्टिया के नाम पर ये क्या हो रहा था? पता है कैसे ज्यादातर स्टोर्स में दरवाजा खोलने पर जिंगल बेल बजती है? मैंने सोचा कि हमें भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ करना चाहिए, इसलिए मैंने डैडी का एक एंटीक हॉर्न लगा दिया। हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। जैसे ही मैं म्यूजिक की आवाज कम करने का तरीका सोच लूं और जैसे ही मैं विंडो डिस्प्ले की डिजाइन खत्म कर लूं। रुको, क्या ये मेरा ही शिपमेंट है पोनीविल से? ये तो पूरी तरह से उथल पुथल हो गया। बस करो। मिस पोमेल, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आप रैरिटी फॉर यू की सेल्स एसोसिएट होने के नाते मैं आप पर पहले से ही भारी जिम्मेदारियों की प्लेट में और जिम्मेदारी नहीं डालना चाहती, पर लगता है आज रात हमने जितना सोचा था उससे थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। दरअसल मैं आज काम नहीं कर सकती। क्यों, क्या हुआ? आपको रेस्ट करना चाहिए, हम आपके बिना ही सब संभाल लेंगे किसी तरह, और संभाल लेंगे चमकते हुए दांत और कार हॉर्न्स और बिखरे हुए कपड़े और डांस म्यूजिक को भी। क्या मैं कुछ भूल तो नहीं रही? अब मैं क्या करूंगी? वेल, मैनहट्टन में एक स्टोर खोलना कोई आसान काम तो नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है कि रेडिटी से लेकर थोड़ी ज्यादा सी स्ट्रेस थी।
क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा था, फिर भी मुझे लगता है उसने हैंडल कर ही लिया। मेरा सपना बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। मैं जानती हूँ कि अब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं हुआ है, पर हमने ये काम पहले भी किया है रैरिटी। अगर हम साथ मिलकर काम करें। मुझे तुम्हारा ऑफर अच्छा लगा, पर ये मेन हैटन है, यहाँ के फैशन सीन में जगह बनाने के लिए सब बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट लोकेशन, परफेक्ट कपड़े और परफेक्ट ओपनिंग। शायद हमें ओपनिंग की तारीख आगे। तारीख आगे कर दूं? डार्लिंग, आज की रात फॉल सीजन की आखिरी रात है, अगर हमने आज स्टोर नहीं खोला तो ये वो नहीं होगा। परफेक्ट। हाँ, मुझे पता है क्या करना है, मुझे बस मेरे जैसों की जरूरत है। ओह, काश मैं अपनी कॉपीज बना सकती। हाँ, अपनी कॉपीज बनाना हमेशा एक अच्छा आइडिया लगता है। इससे पहले आप कुछ समझ पाओ, आप एक कमरे में होते हैं 50 पिंकी पाइस के साथ। हम ये कर सकते हैं और हम ये तुम्हारे सपने को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तुम ऐसा करोगी? फ्लटरशाय, तुम मेरे लिए उन गंदे बदबूदार रकून को संभाल लोगी? हाँ बिल्कुल। प्लेट स्ट्राइप्स को मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी उसे और उसके अच्छे आइडियाज को। मैं ऊपर उस नॉनस्टॉप पार्टी में जाकर बहुत सारे मजे कर सकती हूँ और केक खा सकती हूँ और फिर मैं उनको शांत करा दूंगी। और मैं एक ऐसी पोनी को जानती हूँ जिसे तुम्हारे लिए शिपमेंट को ठीक से जमाने में दिक्कत नहीं होगी। मैं अपनी बात कर रही हूँ। ओह प्लीज, अब मुझे इसे जमाने दो ना। ये सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा है, पर मेरे पास एक भी एम्प्लॉय नहीं है और मुझे बेस्ट से भी बेस्ट चाहिए। हायरिंग की जिम्मेदारी मेरी। ये हुई ना बात माय डियर्स, अगर तुम इसे संभाल लो तो मैं मेन फ्रंट विंडो डिस्प्ले के डिजाइन पर फोकस कर सकती हूँ। हम मेन हैटन को दिखा दें। करती वो हमारे बिना क्या करती? जरा सोचने दो। डार्लिंग, मैं पूरी तरह बर्बाद हो गई। बर्बाद? मेरी आवाज बिल्कुल उसके जैसी है। अरे तुम ये सब तो नहीं लिख रही हो ना? और अब परफेक्ट विंडो डिस्प्ले के लिए तक ये पार्टी चलती रहनी चाहिए। वाकई? बिल्कुल। और रही बात मजे की, खूब मजे करो, खुलकर इतने मजे करो जितने कि तुमने पहले कभी ना किए हो। अगर तुम कहती हो तो। ओह प्लीज पिंकी पाई, मैं हजार सालों में भी ऐसी बेकार बात नहीं कहूँगी। जाहिर है कि डीजे पोनी 3 सबसे शानदार बीट्स बजाती है। मैं नहीं चाहूंगी कि वो बैक एली अंडरग्राउंड ज़िप ज़ॉप पार्टी से भी कूलेस्ट म्यूजिक मिस करे। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ये म्यूजिक बजाती, फिर चाहे बाकी पोनीज़ कुछ भी सोचे। रेडिटी फॉर यू सिर्फ बेस्ट में से बेस्ट को ही काम पर रख रहा है और मेरे लिए इसका मतलब है सबसे तेज। अब इससे पहले कि हम शुरू करें, क्या मैं ये सही से कर रही हूँ? रैरिटी होती तो क्या करती? नया प्लान। सबसे पहले कौन मुझे बता सकता है कि ये कौन सा फैब्रिक है? ये है ऑर्गेंजा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? ये पतला है, प्लेन भी, बहुत अच्छा फैब्रिक है, सिल्क से बनाया जाता है, तो हाँ। मुझे कपड़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं बस किसी भी चीज को देखकर ये बता सकती हूँ कि वो कपड़ा है या नहीं। ये कुर्सी कपड़ा नहीं है। देखते हैं कि आप मेरी बात समझ पाते हैं। सभी कपड़े किस चीज के बने होते हैं? फैब्रिक। सही कहा, पर हमारे स्टोर में नहीं। अब से नहीं। नहीं, मेरे पास दो शब्द है, चम्मच के कपड़े। मतलब हमारे सारे कपड़े चम्मच के बने होंगे। रियलिटी होती तो क्या करती? पता है मुझे तुम पसंद हो प्लेट स्ट्राइप्स, अगर मेरी बात होती तो हम स्टिंकी बॉटम के डिस्काउंट हैट एम्पोरियम के ठीक सामने हमारी स्पून क्लोदर शॉप रखते, पर अभी मैं ये नहीं कर सकती, तो जवाब है नहीं। पर्सनली मुझे नहीं लगता स्पून क्लोदर इतना भी बुरा आइडिया है। ये काम का आइडिया है, सूप पीने के लिए, गम्बो मिलाने के लिए, छोटे गड्ढे खोदने के लिए। हो गया परफेक्ट। हालांकि
रियलिटी होती तो क्या करती, शायद वो उन्हें कलर से जमाना नहीं चाहेगी। लगता है मुझे फिर से शुरू करना होगा। हेलो स्मोकी, सॉफ्ट पैड, स्मोकी जूनियर, मेरे पास एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। मैं चाहूंगी कि तुम यही रुको, पर रियलिटी होती तो क्या करती, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। विंडो डिस्प्ले वो पहली चीज होती है जो एक कस्टमर को दिखाई देती है, और अगर उन्हें वो पसंद आई तो वो अंदर आते हैं बुटीक में। मुझे नहीं पता कि तुम में से किसको काम पर रखना है, बस फैब्रिक्स गेस करते रहो। डैडी, रैरिटी की दोस्त को मेरे आइडियाज पसंद नहीं है। मून क्लोथ्स अच्छा आइडिया है। ओ नहीं, मैंने उसे गलत म्यूजिक तो नहीं दे दिया। आखिर ये हो क्या रहा है? सॉरी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब आप ये कहानी लिखें, तो क्या प्लीज वो पार्ट हटा सकते हैं जब हमने रैरिटी को विंडो डिस्प्ले में लॉक किया था? हेलो, लगता है दरवाजा अटक गया है। यप, हम इसे ठीक ही कर रहे हैं। वेल, इस वक्त को बर्बाद नहीं जाने देना चाहिए। ये सब आखिर हुआ कैसे? लेकिन ये हुआ कैसे? मैंने पार्टी को बंद कराया था। मैंने प्लेट स्ट्राइप को ना कहा था। मैंने रिकून्स को जाने को कहा था। मैंने बहुत सारे फैब्रिक वाले सवाल पूछे। रियलिटी ने हमें उसकी मदद करने को कहा क्योंकि वो हम सबको अच्छे से जानती है। वो जानती है तुम्हें जानवरों की कितनी परवाह है। वो चाहेगी कि तुम ये प्रॉब्लम अपने तरीके से सॉल्व करो। शायद हम सबको यही करना चाहिए। हम सबको अपने तरीके से इसे सॉल्व करना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई, चलो सब साथ मिलकर सब कुछ ठीक करते हैं। ये जॉब तो मुझे ही मिलनी चाहिए, इससे पहले कि रियलिटी को पता चले कि हमने गड़बड़ कर दी है। माफ करना, मैंने तुम्हें जाने को कहा। ये जगह तुम्हारी है, तुम यहाँ रह सकते हो। हालांकि मैं चाहूंगी कि तुम सब मेरा एक काम करो। मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे वो बेकार सुपर बोरिंग म्यूजिक बजाने को कहा, पर अगर तुम तैयार हो तो मेरे पास इस पार्टी को और बेहतर बनाने का एक आईडिया है। ओके, मुझे फैब्रिक समझ में नहीं आते, पर मुझे स्पीड समझ में आती है, और मुझे किसी ऐसी पोनी की जरूरत है जो कि रैरिटी के सारे कस्टमर्स की तेजी से मदद कर सके। तो सबसे पहले नदी तक पहुंचने वाले को ये जॉब मिलेगी। ये एक रेस है, जाओ। मिसेस स्ट्राइप्स, मैं आपकी बेटी से माफी मांगना चाहती हूँ। उसके पास अच्छे आइडियाज हैं, तो मैं उसे मौका दूंगी। इसलिए मैं सोच रही थी कि परफेक्ट। वाओ, लगता है हमने बिल्कुल सही वक्त पर दरवाजा ठीक कर दिया। ये सब क्या है? पूरी जगह को स्टाइल के हिसाब से जमाया है, साइज के क्रॉस रेफरेंस के साथ, और फैब्रिक्स रिवर्स इंडेक्स भी हैं। वो किसी भी चीज को 3 सेकंड में ढूंढ सकती है। ये मेरे बेस्ट कामों में से एक था। ओह, मुझे पता था कि तुम ये संभाल लोगी। ठीक है, मेरे ख्याल से अब फैसले की घड़ी आ गई है। रैरिटी फॉर यू अब खुल गया है। अरे नहीं, मैं इतनी भीड़ के लिए तैयार नहीं थी। मैं इन सबको कैसे हैंडल करूं? मेरा नाम ब्लू बॉबिन है, मैं आज की शाम आपकी पर्सनल शॉपिंग असिस्टेंट हूं। सभी पोनीज प्लीज इस तरफ आ जाइए, और हमारी टैलेंटेड सेल्स पोनीज में से कोई भी आपकी मदद करेगी। सच कहूँ तो वो सब के सब बहुत ढीली थी, पर उन्होंने रेस खत्म की। साथ ही उन्हें फैब्रिक के बारे में मुझसे ज्यादा पता था, इसलिए मैंने उन सबको काम पर रख लिया। मेरी नजर से देखो तो रैरिटी फैशन डिजाइन करती है, डीजे पोनी
पोनी थ्री बीट्स डिजाइन करती है तो एक बुटीक डांस क्लब से ज्यादा अच्छा क्या होगा। अच्छे से नहाने के बाद हम मदद के लिए तैयार थे। एक ब्लू कॉर्न रिडक्शन शैलॉट कॉर्न फ्ली के साथ, पर मैं भला इसका मजा कैसे ले सकता हूँ? चम्मच के कहा था ना स्पून क्लोदर बुरा आइडिया नहीं है। मजा आ गया। मैंने इतना खूबसूरत और शानदार बुटीक आज तक पहले कभी नहीं देखा है। क्या बात है, कितना अच्छा कलेक्शन है ना। अंत में रैरिटी की ग्रैंड ओपनिंग धमाकेदार रही। सच है कि शुरुआत थोड़ी सी खराब रही थी, पर किसी तरह इन कभी कुछ ठीक से ना करने वालों की ग्रुप ने, ओह हेवेंस, मेरे ख्याल से उसका मतलब तुमसे है, साथ मिलकर परफेक्ट बुटीक बना दिया। रैरिटी का सपना और साथ में उसकी दोस्तों की मेहनत कामयाब रही। ये रिपोर्टर कहा जाए तो इसे हम पर यकीन है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेली पड़ी? हमने सोचा तुम्हारे पास पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें लगे ओपनिंग परफेक्ट नहीं थी। कभी कुछ ठीक से करने वाले हो या ना हो, मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरी मदद करोगे। इससे ज्यादा परफेक्ट और कुछ भी नहीं हो सकता।